हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने एक दिवसीय बाड़मेर दौरे बाड़मेर थार नगरी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने एक दिवसीय बाड़मेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आम जन की जनसुनवाई की और अधिकारियों को आम जन की समस्या समाधान के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल विधानसभा में भाजपा द्वारा किए गए हंगामे को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता झूठ के जनरेटर हैं और जब से केंद्र का बजट आया है उसके बाद प्रदेश भाजपा के नेता पागल हो गए हैं। रीट के मामले में दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठकर षड्यंत्र हुआ है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है और झगड़े फसाद करवाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने का प्रयास कर रही है। रीट के मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो सबूत लाकर विधानसभा के टेबल पर रखें। भाजपा की सरकार के समय 14 बार पेपर लीक हुए लेकिन एक आरोपी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हिम्मत चाहिए गिरफ्तार करने के लिए और बर्खास्त करने के लिए, वो हिम्मत दिखाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा खुद ने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आमजन से अपील की कि आंख बंद करके मोदी जी मत करो, मोदी जी ने देश की 12 बजा दिए हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।